माननीय सदस्य आलोक कुमार चौरसिया जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अविश्वास करती है कि पलामू जिला के मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में वर्षों से जल संकट उत्पन्न हो रहा है। नदियां सूख जाती है और चापाकल स्तर नीचे चला जाता है, फिर भी पेयजल आपूर्ति के लिए तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक सरकार की ओर से नहीं किया जा सका तथा गर्मियों में लोग सिर्फ टैंकर में आश्रित होते हैं। कोयल नदी के तट पर बेलवा टिकर स्थित अब पंपूकल और शिवाला रोड स्थित कोयल नदी में बियर बांध का निर्माण किए जाने से बहुत हद तक शहरी क्षेत्र में पेयजल की समस्या लोगों को राहत मिल सकती है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से ध्यान आकृष्ट कराता हूं कि उपरोक्त दोनों स्थानों पर बियर बांध बनाकर जनहित में शीघ्र करने हेतु सदन के हस्तक्षेप करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मान्य मंत्री जी महोदय, वाकई में जल ही जीवन है और इसको देखते हुए विभाग काफी गंभीर है और विभाग इस ओर अग्रसर है और बहुत जल्दी जलापूर्ति परियोजना इनके मेदिनीनगर में शुरू होगा और जिस बियर बार की ये बात कर रहे हैं इसके ऊपर भी बहुत सरकार गंभीर है और इनको आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्द इनकी समस्याओं का समाधान हम लोग कर देंगे। चलिए वापस अध्यक्ष महोदय बोलने दीजिए 2 मिनट। अध्यक्ष महोदय, एक बार और हम आवाज उठाए थे जिस समय वो हमारे सत्यानंद भोक्ता जी इसका जवाब दिए थे कि बहुत जल्द हम शिलान्यास कराएंगे फेज 2 का, वो भी पूरा ठंडा अवस्था में चला गया। हम बियर बांध बांधने के लिए बोल रहे हैं। हमारे यहाँ से जो नदी गुजरता है उसमें पानी अब जैसे मार्च के बाद अप्रैल का जैसी महीने आएगा पूरे डाल्टनगंज ड्राई जोन हो जाएगा और जितने नगर निगम क्षेत्र है, चाहे वो बेलवा टिकर हो, अबाधगंज हो, बैरिया हो, सुदना हो, तमाम जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे लोग या तो पलायन कर जाएंगे या तो फिर अपना घर छोड़कर या तो वहाँ से हट जाएंगे। महोदय, मैं सरकार से सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ, हमारा मांग दूसरा या तीसरा बार होगा मेरा कि हमारे यहाँ या तो आप फेज 2 का काम करा दीजिए और नहीं तो बियर बांध करके पानी रोक दीजिए, ताकि पानी रुक जाएगा तो लेयर अपने आप बना रहेगा और चापाकल और जो कुआं है, जो नल है, उसमें पानी बराबर जाते रहेगा। अध्यक्ष महोदय, तो इसी के साथ आप वापस ले लीजिए बात, तो जवाब तो दे, जवाब दे दिए तब को। समय सीमा कुछ तो बताए माननीय मंत्री जी, कुछ समय सीमा बता दीजिए। आलोक जी, आप निश्चिंत रहे, सरकार गंभीर है और चूंकि मैं जैसा कि मैंने कहा कि जल ही जीवन है और इसको विभाग और मैं पर्सनली काफी ध्यान में रखते हुए आपकी भावनाओं को समझते हुए मैं इस पे जल्द ही कार्रवाई करवाऊंगा। धन्यवाद। लेकिन ये दूसरा बार मुझे जवाब ऐसा मिल रहा, देखते हैं वापस मिल सकता है।